आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद असद अली। आप क्या काम करते हैं? मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे होता हूँ। तो ये कोरोना जो है ना 10 से 5 बजे तक नहीं है और 10 से 5 के बाद है, ये आपको कैसा लगता है? सर ये तो आप इट्स लाइक अ जोक, आप मतलब 10 से 5 नहीं और 5 के बाद है, तो ये तो एक मजाक है आपकी पॉलिसी। एंड देन दे इंप्लीमेंट, ये नहीं कि आपको 15 दिन खोल दिया, आप ईद के बाद ये करेंगे, लॉकडाउन को दोबारा कर देंगे। ठीक है, अब वो जो लोगों ने घरों के किराए देने हैं, ये मिडिल क्लास लोग नहीं है, ये मिडिल क्लास अब दो तबके रह गए हैं, एक गरीब और एक अमीर। दे मेक अ टाइगर फोर्स इज अ बुलशिट। आई एम आस्किंग टू गवर्नमेंट, स्टेट फॉर इज अ बुलशिट। टाइगर फोर्स बनाई है, आप आए लोगों को अवेयरनेस दें, नोबडी कैन गिव एनी अवेयरनेस, एनी सिंगल मतलब कोई वो ऑप्शन। अब क्या कहूँगा, मैं इधर तरबूज बेचता हूँ मंडी में, आलू प्याज का काम करता हूँ। गवर्नमेंट के डिसीजन से आप कितने खुश हैं, जो 10 से 5 बजे तक जो लॉकडाउन? बिल्कुल भी खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है? बस इसलिए खुश नहीं हूँ कि घर में बैठे बैठे दिल तंग होता है। अभी हम इधर तरबूज के लिए बैठे हैं, भाई बिल्कुल काम नहीं है, तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते डर की वजह से। क्यों डरते लोग? बस लोग कहते हैं कोरोना है, कोरोना है, लोग डरते हैं। अल्लाह से डरो, कोरोना से क्या डरना है। फिर भी ये कंट्रोल हो जाएगा 10 से 5 बजे तक, तो चलो कोरोना बढ़ेगा, लेकिन रात को 5 बजे के बाद से चलो फिर भी लॉकडाउन स्टार्ट है, थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। किस तरह कैसे दे? बस वो आए गाड़ी में डाल के ले गए, अब वो बंदे देखे फिलहाल हालत तो ठीक थी, लेकिन अब पता नहीं वहाँ पर जाके क्या होगा। कोरोना किस किस्म का था? कोई लाल था, सफेद था, किस किस्म? नहीं नहीं, बंदा तो ठीक था। कोरोना की बात कर, कोरोना का नहीं पता लगता ना एकदम से। क्यों नहीं पता चलता? जब बंदे के अंदर होता है तो एकदम से कहाँ पता लगता है, बंदे के अंदर किधर होता है इस बात जिस समय होगा। आप दाढ़ी का क्या काम है यार, उम्र ही नहीं है, अभी बचे हम तो। अब क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। किस चीज? 10th क्लास में फिजिक्स। सही फैसला नहीं किया क्योंकि इससे केसेस और बढ़ेंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। वो अलग बात है, मईशत ख़राब हो रही है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, 5 बजे तक दुकानें खुली हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 5 बजे तक, 3 बजे तक तो बंदे सो रहे, आवाम सो रही होती है, 5 बजे तक दुकानें खोलने का क्या फ़ायदा? ऐसे अच्छा है पूरा कर्फ्यू लगा ले, कोई घर से बाहर ना निकले। नहीं, ये बहुत कम टाइम नहीं दिया जो 10 से लेकर 5 बजे तक, इस टाइम पर जब बाजार में बहुत ज़्यादा रश पड़ जाती है। कम टाइम दी है, बिल्कुल कम टाइम दिए, लेकिन इनको टाइमिंग इफ्तारी के बाद करनी चाहिए थी, लेकिन लोगों का रोज़ा होता है, वो कैसे इफ्तार से पहले शॉपिंग के लिए निकले, नहीं निकल सके। कौन सी बात है कि जो 10 से 5 तक कोरोना नहीं है और उसके बाद कोरोना आ जाता है, कहाँ से आ जाता है? नहीं भाई, कोरोना कोई भी नहीं है, अभी 2-3 दिन से लॉकडाउन ख़त्म है, मार्केटों में रश है, किसी को कोरोना हुआ है? किसी को नहीं है, कोरोना कोई नहीं है, हम नहीं डरते कोरोना से। गवर्नमेंट से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, गवर्नमेंट ने सब गरीबों को जो है ना ज़मीन में बैठा कर रख दिया है। गवर्नमेंट के किस बंदे से आप खुश नहीं हैं? बस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा सरबराह है इमरान खान साहब, हम उससे बिल्कुल खुश नहीं। क्यों नहीं है उसे? वो इसलिए खुश नहीं है कि वो बस अन करीब हमसे फतराना भी मांगेंगे, मैसेज आएंगे चांद रात को सब को फतराना हुकूमत को दे दो। उन्होंने जो है फतराने के लिए एक यानी जरिया बनाया हुआ कि फतराना मुझ पर आए, उनका और कोई काम नहीं है, बस उन्होंने पैसा ही छापना है, आवाम को लूटना है, और कोई काम तो नहीं है उनका। तो फतराना क्यों ले? बस फतराना वो पैसा छापना चाहते हैं ना, इसलिए फतराना ले रहे हैं। अभी इतने लोग किसी और मरीज से मरते हैं, उनको कोरोना में डाल देते हैं कि कोरोना से मर गए, ये हमारे सामने घर के बिल्कुल सामने बंदा मर रहा है, उसको कोरोना में डाल दिया, मैं तो कोरोना नहीं हुआ। तो 15 लाख रुपए भी दे रहे हैं ना साथ? 15 लाख क्यों दे रहे हैं, एक इंसान की जिंदगी 15 लाख की होती है? उसने तो ऐसे वो बीमार जाते हैं, इमरान खान को मैं जहर दे के मार देता हूँ, मैं उसको 20,000 देता हूँ, वो उसको कोरोना में डाल दूँ। वो तो खुद बहुत मर जाते हैं, लेकिन फिर भी 15 लाख दे रहे हैं। नहीं, 15 लाख क्या, आप आपकी जिंदगी 15 लाख की, आपकी जवानी 15 लाख की है। नहीं, अगर कोई बंदा मर जाते और आप मर भी जाते और आपको पैसा भी मिल जाते? नहीं नहीं, मर क्यों जाता है, इंसान की जिंदगी तो पैसों से नहीं बिकती ना, अभी मर जाता तो उस पैसों का इंसान क्या करे, उस पैसों से वो इंसान तो वापस नहीं आ सकता। आपकी क्या ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई है? नहीं, बस ख्वाहिश बस एक ही है कि वालदैन को हज में भेज दे, और वो हज भी उसने 5.5 लाख का कर दिया, अभी आप बताए गरीब आवाम कहाँ जाए, अब खुद अभी इसमें हमारी क्या गलती।